हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं प्रियास रेसिपी हिंदी। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाला रसगुल्ला का रेसिपी लेकर आई हूं। ये एक ट्रेडिशनल पीठा का रेसिपी है जो सूजी से बनता है, बट दिखता है एकदम रसगुल्ला जैसा। रसगुल्ला जैसा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भी होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम इसका रेसिपी ट्राई करते हैं। इसको कैसे बनाना है, लाल बेले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रियास रेसिपी हिंदी को। पास में रहने वाला बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले यहाँ पर सूजी को फ्राई कर लेंगे। मैं ले रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप सूजी। मैं यहाँ पर बारीक वाला सूजी यूज कर रही हूँ, जो पतला वाला आता है। आपके पास अगर मोटा सूजी हो तो आप थोड़ा सा उसको मिक्सी में पीस के यूज करें। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक सूजी में से एक अच्छा सा खुशबू ना आ जाए। गैस का फ्लेम आप स्लो रखें। अब मैं यहाँ पर 1 कप दूध ले रही हूँ सेम कप में। उसको हम मिलाएंगे सूजी को। अगर ज़रूरत होगा तो थोड़ा दूध हम और देंगे। मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँ, आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा इलायची ऐड कर दें। अब मैं इसको ठंडा करके अच्छे से स्मूथ कर ली हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के बदले में नारियल भी ले सकते हैं। उसमें मैंने चीनी मिलाया है ड्राई फ्रूट्स में। मैंने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी मिला के उसको रख दी थी। अब ये जो डो था इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे फिर से, और इसमें से हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। उसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स था उसको स्टफ करेंगे। पतला वाला सूजी यूज करने से वो स्मूथनेस आता है, जैसे रसगुल्ले में एक स्मूथनेस होता है वैसा ही एक स्मूथनेस आता है। अब हम इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स को रखेंगे। आप यहाँ पर नारियल भी दे सकते हैं। नारियल को थोड़ा सा गुड़ में फ्राई करके आप यहाँ पर नारियल भी यूज कर सकते हैं। अब इसको बिना क्रैक का कोई एक गोल बना लेंगे हम। अब ये रेडी है। मैं एक तरफ चाशनी बना लूँगी। मैं यहाँ पर 1 कप मिश्री ले रही हूँ, आप चीनी ले सकते हैं। 1.5 कप उसमें मैं पानी ऐड करूँगी। चाशनी कोई हमें गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा हाथ में चिपचिपा लगे तब तक पकाना है। अब जो हम पीठा बनाए थे सूजी का उसको इसमें डाल देंगे। वो एकदम बॉयल आएगा तो रसगुल्ले जैसा फूल जाएगा। देखिए एकदम रसगुल्ले जैसा बॉयल आ रहा है इसमें और फूल गया है। बहुत स्पॉन्जी बन जाता है, लाइट बन जाता है। देखिए अब हमारा मिठाई रेडी हो गया है। ये एक ट्रेडिशनल पीठा का रेसिपी है, बट इसका जो टेस्ट और जो टेक्सचर है वो एकदम रसगुल्ले जैसा है। आप देखिए कितना स्मूथ है एकदम सब पूरा चाशनी पी के। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मिले। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी नए रेसिपी के साथ। बाय।